तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है जल एवं भोजन जनित रोग। आप सुनेंगे कक्षा चौथी और पांचवी के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथी एवं विद्यार्थियों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम में हमने कीटों से फैलने वाले बीमारियों के बारे में सीखा था। हमने इस पर भी चर्चा की थी कि मलेरिया कैसे फैलता है। आज के कार्यक्रम में हम दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारियों के बारे में सीखेंगे। राजू बबलू जल्दी करो, उस बड़े झूले पर बैठना है। मुन्नी देखो तरबूज बिक रहे हैं, आओ हम खरीदें। अरे उन मिठाइयों को तो देखो कितनी रंग बिरंगी हैं। नहीं राजू, तुम्हें खुले में रखे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? मिठाइयाँ और फलों पर बैठी हुई मक्खियाँ और कीड़ों को तो देखो। तो क्या हुआ, वे मक्खियाँ ही तो हैं, कोई शेर भालू तो नहीं? तुम समझते क्यों नहीं हो, मक्खियाँ कीटाणु फैलाती हैं जिनसे बीमारियाँ फैलती हैं। देखो बबलू, वहाँ से नदी बह रही है, चलो हम पानी पीते हैं। नहीं मुन्नी, देखो वहाँ लोग कैसे नहा रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं, वे लोग बर्तन भी धो रहे हैं। ये पानी बहुत गंदा है, इसीलिए ये पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। मुन्नी लगता है ये बबलू हमें कुछ खाने पीने नहीं देगा। यदि हम अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकते तो यहाँ मेले में क्यों हैं? राजू मैंने तुम्हें खाने पीने के लिए मना नहीं किया है, मैंने सिर्फ खुला रखा हुआ पका भोजन खाने के लिए मना किया है। मुझे किसी भी तरह से वो मिठाइयाँ और दही बड़ा खाना है, कोशिश करता हूँ कि बबलू के नजर में आए बिना ही खानू। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो राजू? कुछ नहीं, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी शौचालय से जाता हूँ। अरे बबलू मुन्नी कैसे हो तुम लोग? मैंने सुना है कि तुम लोग कल मेले में गए थे। और हाँ राजू किधर है? दीदी वो उल्टी दस्त से परेशान है, वो अभी भागकर घर गया है, ये सातवीं बार है। क्या उल्टी दस्त? क्यों? दीदी वो बहुत लापरवाह है, उसे जो मिलता है वही खा लेता है और कहीं से भी पानी पी लेता है। दीदी आपको तो पता ही है कल हम मेले में गए थे, मैंने राजू से कहा था कि खुले हुए पके खाद्य पदार्थ मत खाओ और नाले का पानी मत पियो, लेकिन वह सुनने वालों में से नहीं है। उसने चुपचाप दही बड़े खाए और खुली हुई टंकी का पानी भी पी लिया। कल रात से ही वह पेट दर्द और दस्त से परेशान है। ओह ये तो बहुत बुरी खबर है, लगता है उसे ऐसे पानी और भोजन से संक्रामक रोग हो गया है। बबलू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें खुले में रखा भोजन नहीं खाना चाहिए, मक्खियाँ और दूसरे कीड़े खुले रखे हुए भोजन पर बैठते हैं, इन मक्खियों के शरीर में कीटाणु चिपक जाते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। हमें पानी पीते समय भी सावधानी रखना चाहिए, खुले हुए स्थान का पानी जैसे नहर तालाब आदि का पानी जानवरों और इंसान द्वारा दूषित कर दिया जाता है, यही दूषित पानी बीमारियां फैलाता है। प्रिय शिक्षक और विद्यार्थियों, अभी तक हम मेले के बारे में हो रही चर्चा सुन रहे थे,
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। शिक्षक, कृपया 6 विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए चुनें, जिनमें लड़के व लड़कियां दोनों हों। विद्यार्थियों को अपनी जगह पर ही खड़ा होने के लिए कहें। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद वे बैठ सकते हैं। शिक्षक, छात्र तैयार है ना? ये रहा पहला प्रश्न। हमें खुला रखा हुआ भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उस पर मक्खियां और कीड़े बैठती हैं। खुले में रखा हुआ भोजन मक्खियों और कीटों से घिरा होता है। अब अगला प्रश्न है, ये कीड़े कैसे हानिकारक होते हैं? इनके शरीर पर रोगों को फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। ये कीड़े बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं को अपने साथ भोजन तक पहुंचा देती हैं। अब अगला प्रश्न है, हमें नालों का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी गंदा हो सकता है, नालों का पानी दूषित हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, नालों का पानी दूषित कैसे होता है? नहाने, कपड़े और बर्तन धोने से पानी दूषित हो जाता है। नालियों का पानी लोगों के नहाने, कपड़े और बर्तन धोने से दूषित होता है। अगला प्रश्न है, जब राजू ने मेले में खाया पिया तो उसे क्या हुआ? पेट दर्द और दस्त। जब राजू ने मेले में पानी पिया और खाद्य पदार्थ खाए तो उसे पेट दर्द और दस्त होने लगे। अगला प्रश्न है, हमने अभी तक इसके उत्तर के बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न है, पेट दर्द और दस्त कैसे होता है? अपचन होने या फिर दूषित भोजन या पानी से पेट दर्द और दस्त होता है। कोई और कारण भी हो सकता है, परंतु अपच और खराब भोजन ही ज्यादातर इसका कारण होते हैं। धन्यवाद शिक्षक और विद्यार्थियों। शिक्षक और विद्यार्थियों, दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में और अधिक समझने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे। शिक्षक, कक्षा को 4 समूहों में बांट दें। छात्र जहां बैठे हों वहीं उन्हें विभाजित करें। उन्हें कक्षा में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षक, यदि समूह तैयार हैं, तो उन्हें 1, 2, 3, 4 नाम दें और मेरे निर्देशों का पालन करने को कहें। विद्यार्थियों, अब हम एक नाटक करते हैं। आपको एक मेले के दृश्य पर नाटक करना है। समूह 1, आपको मेले में खाने पीने वाली अलग अलग वस्तुओं को बेचने वालों का अभिनय करना है। शुरू करने के लिए मेरे निर्देशों का इंतजार करो। अब समूह 2, आपको मेले में घूमने वाले व्यक्तियों
और खाने की वस्तुएं खरीदने वालों का अभिनय करना है। अब समूह तीन, आप नहर के दूषित पानी का प्रयोग करने तथा पानी को गंदा करने वालों का अभिनय करेंगे। समूह चार, आप मेले में चल रहे दृश्य को ध्यानपूर्वक देखकर दूषित भोजन और पानी से फैलने वाली बीमारियों का वर्णन करें। अब सभी समूह अभिनय आरंभ करें। इस गतिविधि के लिए आपको 60 सेकंड मिलते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने कार्य पूरा कर लिया ना? यदि पूरा नहीं किया है तो इसे कार्यक्रम के बाद पूरा करें। शिक्षक समूह चार के विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने मेले में भोजन और पानी को दूषित करने वाले जिन कारणों को देखा उनका वर्णन करें। समूह चार के विद्यार्थियों ने अपने वर्णन में कहा होगा, फल खुले रखे हैं, खाने की बहुत सारी चीजें खुले में रखी हैं, वे ढकी हुई नहीं हैं, उन पर बहुत सारी मक्खियां और कीड़े बैठे हुए हैं। मक्खियों के अलावा इन खाने की वस्तुओं पर धूल भी बैठ रही है। जो लोग मेले में घूमने आए हैं वे नहर में नहा रहे हैं, कपड़े और बर्तन भी धो रहे हैं, इससे पानी दूषित हो रहा है और जब हम उसी पानी को पीते हैं तो रोगों के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वर्णन करने वाले विद्यार्थियों ने इसके अलावा कुछ और टिप्पणी भी की होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। प्रिय शिक्षक और विद्यार्थियों, अब हम एक गीत गाते हैं जो हमें भोजन और पानी के दूषित होने के बारे में बताएगा। पहले सुनो फिर हमारे साथ गाओ। एक हमारी बात सुनो बच्चों, ये भूल न जाना, पानी पीना ध्यान से भैया, खाना देख के खाना, खुली मिठाई अन्न और फल को देखना तुम न जाना, क्योंकि इनमें रहता धूल कीटाणुओं का। विद्यार्थियों और शिक्षक, अब हम दूषित भोजन और पानी से फैलने वाले रोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए एक और गतिविधि करते हैं। शिक्षक कृपया ब्लैक बोर्ड पर चार कॉलम बनाएं। शिक्षक पहले कॉलम को बीमारी नाम दें।
दूसरे कॉलम को पानी से फैलने वाली नाम दें। तीसरे कॉलम का नाम भोजन से फैलने वाली लिखें। चौथे कॉलम को पानी और भोजन दोनों से फैलने वाली नाम दें। मैं दोहराती हूँ, पहला कॉलम बीमारी, दूसरा पानी से फैलने वाली, तीसरा कॉलम भोजन से फैलने वाली, चौथा कॉलम पानी और भोजन दोनों से फैलने वाली। शिक्षक, कक्षा के सामने 10 फुट का एक गोला बनाएं। शिक्षक, गोले को 3 बराबर हिस्सों में बांट दें। आप गोले के मध्य से परिधि तक 3 रेखाएं बनाकर गोले को 3 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। शिक्षक, अब तीनों हिस्सों को भोजन से फैलने वाली, पानी से फैलने वाली और भोजन और पानी दोनों से फैलने वाली नाम दें। शिक्षक, कक्षा की पिछली पंक्ति से 16 छात्रों को चुन लें, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हों। शिक्षक, उन विद्यार्थियों को फर्श पर बने गोले के किनारे घेरा बनाकर खड़ा होने को कहें। शिक्षक, छात्र घेरे में खड़े हो गए ना? अब हम बीमारी के बारे में एक खेल खेलते हैं। मैं आपको खेल समझाती हूँ। विद्यार्थियों, जैसे ही संगीत शुरू होगा, आपको गोले के चारों किनारों से घेरे में चलना है। जैसे ही संगीत बंद होगा, आपको भी रुकना है और मेरे निर्देश को ध्यान से सुनना है। मैं एक बीमारी का नाम लूंगी। यदि आपको लगता है कि ये बीमारी पानी से फैलती है, तो गोले के पानी से फैलने वाली के हिस्से में आ जाएं। यदि आपको लगता है कि ये बीमारी भोजन से फैलती है, तो गोले के भोजन से फैलने वाली के हिस्से में आ जाएं। और यदि आपको लगता है कि ये बीमारी भोजन और पानी दोनों से फैलती है, तो गोले के भोजन और पानी दोनों से फैलने वाली के हिस्से में खड़े हो जाएं। विद्यार्थियों, क्या हम खेल शुरू करें? अब संगीत शुरू हो रहा है, घेरे में घूमना शुरू करो। विद्यार्थियों, संगीत बंद हो गया है। मैंने कहा है जा, आपके विचार में ये कैसे फैलता है? किसी एक हिस्से को चुनें और वहां खड़े हो जाएं। विद्यार्थियों, हैजा पानी से फैलने वाली बीमारी है, तो आपने पानी से फैलने वाला भाग चुना होगा। जो छात्र दूसरे भाग में खड़े हैं, वे खेल से बाहर हो जाएं। शिक्षक, उनकी जगह कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को ले लें। शिक्षक, ब्लैक बोर्ड पर बीमारी वाले कॉलम में हैजा लिखें
और पानी से फैलने वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं। गोले के अंदर के छात्र, खेल अभी जारी है। अब संगीत शुरू होता है, चलना शुरू करें। विद्यार्थियों, संगीत रुक गया। मैंने कहा दस्त या पेचिश। विद्यार्थियों, मैंने कहा दस्त या पेचिश। दस्त या पेचिश पानी और भोजन दोनों से फैलने वाली बीमारी है, तो आपने दोनों से फैलने वाली बीमारी वाला हिस्सा चुना होगा। वे छात्र जो अलग भाग में खड़े हैं, वे खेल से बाहर हैं। शिक्षक उनकी जगह कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को ले लें। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बीमारी वाले कॉलम में दस्त या पेचिश लिखें और भोजन व पानी से फैलने वाले दोनों ही कॉलम में सही के चिन्ह लगाएं। विद्यार्थियों, संगीत शुरू होता है, चलना शुरू करें। विद्यार्थियों, संगीत रुक गया। मैंने कहा आंत्र, ज्वर या टाइफाइड। विद्यार्थियों, मैंने कहा आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर पानी और भोजन दोनों से फैलने वाली बीमारी है, तो आपने दोनों से फैलने वाली बीमारी वाला भाग चुना होगा। वे छात्र जो अलग भाग में खड़े हैं, खेल से बाहर हैं। शिक्षक उनकी जगह कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को ले लें। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बीमारी वाले कॉलम में आंत्र ज्वर लिखें और भोजन व पानी से फैलने वाले दोनों ही कॉलम में सही के चिन्ह लगाएं। विद्यार्थियों, संगीत शुरू होता है, चलना शुरू करें। विद्यार्थियों, अब संगीत रुक गया। मैंने कहा पी लिया। विद्यार्थियों, मैंने कहा पी लिया। पी लिया पानी और भोजन दोनों से फैलने वाली बीमारी है, तो आपने दोनों से फैलने वाली बीमारी वाला भाग चुना होगा। वे छात्र जो अलग भाग में खड़े हैं, खेल से बाहर हैं। शिक्षक उनकी जगह कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों को ले लें। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बीमारी वाले कॉलम में पीलिया लिखें और भोजन व पानी से फैलने वाले दोनों ही कॉलम में सही के चिन्ह लगाएं। विद्यार्थियों, अब संगीत शुरू होता है, चलना शुरू करें। विद्यार्थियों, अब संगीत रुक गया। मैंने कहा पोलियो। विद्यार्थियों, मैंने कहा पोलियो। पोलियो पानी से फैलने वाली बीमारी है, तो आपने पानी से फैलने वाली बीमारी वाला भाग चुना होगा। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बीमारी वाले कॉलम में पोलियो लिखें और पानी से फैलने वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं।
समाप्त हुआ। अब आप अपने समूह में जाकर बैठें। धन्यवाद विद्यार्थियों और शिक्षक। आप कार्यक्रम के बाद खेल को उन बच्चों के साथ खेल सकते हैं जो अभी खेल में भाग नहीं ले पाए। प्रिय शिक्षक और विद्यार्थियों, आज हमने दूषित पानी और भोजन से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा की, जैसे हैजा, दस्त, आंत्र ज्वर, पीलिया और पोलियो। कुछ और बीमारियां भी हैं जो भोजन और पानी से फैलती हैं। कई कारक जैसे मक्खियां और नालियों का पानी भोजन और पानी को दूषित करते हैं। जब इस दूषित भोजन और पानी को हम ग्रहण करते हैं तो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। शिक्षक, कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों को बीमारियों और उनके लक्षणों की सूची बनाने में उचित मार्गदर्शन दें। हमारे अगले पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम में हम लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, होगा रूप विषय का वैसे वैसे रंग होंगे। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे। ये था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेप व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केवल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। हे राजू, हे चंदा, कम लेट अस गो टू स्कूल। We shall listen and learn English. Come, let us go to school. We shall listen and learn English. Come, let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You are listening.
listening to English is Fun, Lesson 43. Dear teacher and students, पिछले पाठ में हमने चेयर, ट्री और बॉल शब्दों के अर्थ सीखे और साथ ही दिस और दैट का अभ्यास किया। आज के पाठ में हम कुछ और शब्द जैसे ईट, ड्रिंक के अर्थ सीखेंगे और अल्फाबेट का अभ्यास करेंगे। राजू चंदा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सियान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आर यू रेडी फॉर टुडेज लेसन? यस, लेट्स बिगिन। लेट्स से गुड मॉर्निंग टू द टीचर एंड स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Teacher and students, please sing the good morning song with us. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Teacher, now we will review counting from 1 to 10. शिक्षक, कृपया सभी छात्रों को ध्यान से सुनने तथा प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। चंदा, what are you doing? Hello, Raju. I am counting the steps from here to the tree. How many steps is it, Chanda? I don't know. Let's count. Students, listen and count the steps. Students, how many steps did you count? Three steps. Students, listen again. Students, how many steps did you count? Three steps. Students, listen again. Students, how many steps did you count? Five steps. Listen again. Students, how many steps did you count? Five steps. Good. Let's listen again. Students, how many steps did you count? Eight steps. Good. Let's listen again. Students, how many steps did you count? Eight steps. Good. Now listen again. Students, how many steps did you count? Ten. I counted 10 steps. Students, listen again.
students, how many steps did you count? Ten steps. Well done, students. शिक्षक, अब हम कोई व्यक्ति या वस्तु किस स्थान पर है ये बताने के लिए कुछ शब्द सीखेंगे। राजू, कम लेट्स प्ले। चंदा, आई कांट लिसन टू यू, यू आर फार फ्रॉम मी। शिक्षक, फार अर्थात दूर का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। राजू, लेट मी कम नियर यू। शिक्षक, नियर अर्थात पास में का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। राजू, Will you play the counting game with me? Yes, of course. You have to open your fingers and I will count. Come, stand next to me. Oh, the counting game will be fun. शिक्षक, next to अर्थात बाजू में या बगल में का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक, कृपया एक छात्र और एक छात्रा को कक्षा के सामने पास पास खड़े होने को कहें। स्टूडेंट्स, टेल मी, इज द गर्ल नेक्स्ट टू द बॉय और इज द गर्ल फार फ्रॉम द बॉय? The girl is next to the boy. Good. Students, tell me, where is the boy? Is he next to the girl or far from the girl? The boy is next to the girl. Very good. शिक्षक, कृपया छात्र व छात्रा से कहें कि कक्षा के दो छोर पर खड़े हों। स्टूडेंट्स, वेयर इज द बॉय? इज ही नेक्स्ट टू द गर्ल और फार फ्रॉम द गर्ल? The boy is far from the girl. Good. Students, is the girl next to the boy or far from the boy? The girl is far from the boy. Good work. Thank you, students. Girl and boy, please stand near each other. शिक्षक, क्या छात्र व छात्रा एक दूसरे के पास खड़े हो गए हैं? यदि नहीं खड़े हुए हैं, तो उन्हें near each other अर्थात एक दूसरे के पास खड़े होने को कहें। और यदि near each other खड़े हैं, तो उनकी ओर पॉइंट करके कहें स्टैंडिंग नियर ईच अदर। स्टूडेंट्स, आर द बॉय एंड द गर्ल स्टैंडिंग नियर और फार फ्रॉम ईच अदर? द
द बॉय एंड द गर्ल आर स्टैंडिंग नियर ईच अदर. गुड. थैंक यू स्टूडेंट्स. गर्ल एंड बॉय प्लीज सिट डाउन. शिक्षक कृपया छात्रों को समझाएं कि यदि कोई पास है तो नियर और यदि कोई बगल में है तो नेक्स्ट टू का उपयोग किया जाता है. शिक्षक कृपया एक छात्र को खड़ा होने को कहें. छात्र से उसके नियर, उससे फार और उसके नेक्स्ट टू बैठे दोस्त का नाम इज नेक्स्ट टू मी, इज फार फ्रॉम मी और इज नियर मी का उपयोग कर बताने को कहें. गुड. शिक्षक कृपया ये गतिविधि दूसरे छात्रों के साथ दोहराएं. ज्यादा से ज्यादा छात्र को मौका दें. छात्रों को इज नेक्स्ट टू मी, इज फार फ्रॉम मी और इज नियर मी का उपयोग कर उत्तर देने में मदद करें. आपके पास एक मिनट का समय है. Teacher, very good students. शिक्षक अब हम अल्फाबेट सॉन्ग का अभ्यास करेंगे. स्टूडेंट्स सिंग विद चंदा. शिक्षक अब हम लाइक शब्द का अर्थ सीखेंगे. कृपया लाइक अर्थात पसंद करना का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं. शिक्षक कृपया छात्रों से रेडियो पात्रों की बातें ध्यान से सुनने को कहें. चंदा
I like mangoes. What do you like to eat? I like to eat oranges. What do you like to drink? I like to drink water. Oh, me too. शिक्षक कृपया ऑरेंज अर्थात संतरा और वाटर अर्थात पानी का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक कृपया ईट अर्थात खाना और ड्रिंक अर्थात पीना का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में बताएं। I like to eat oranges. Students, what does Chanda like to eat? Chanda likes to eat oranges. Good. I like to drink water. Students, what does Raju like to drink? Raju likes to drink water. Good. शिक्षक I like to eat का उपयोग करते हुए किसी एक फल का नाम लें जिसे आप पसंद करते हैं। शिक्षक अब पहली पंक्ति के एक बॉय से कहें कि वो I like to eat का उपयोग करते हुए किसी एक फल का नाम ले जिसे वो पसंद करता है। छात्र उस फल का नाम स्थानीय बोली में भी ले सकता है। शिक्षक अब आखिरी पंक्ति की एक गर्ल से कहें कि वो I like to drink का उपयोग करते हुए किसी पीने की चीज का नाम ले जिसे वो पसंद करती है। वो उस चीज का नाम स्थानीय बोली में भी ले सकती है। शिक्षक इस गतिविधि को जितने अधिक छात्रों से संभव हो कराएं। छात्रों से I like to eat और I like to drink का उपयोग करते हुए उत्तर देने को कहें। आपके पास इस गतिविधि के लिए एक मिनट का समय है। यदि छात्रों को अंग्रेजी में शब्द न याद हो तो वे अपनी पसंद के फूड्स एंड ड्रिंक्स का नाम स्थानीय बोली में बोल सकते हैं। Thank you, teacher. Well done, students.
शिक्षक अब हम एक नया गाना सीखेंगे, लेकिन पहले छात्रों को शेक अर्थात हिलाना का अर्थ स्थानीय बोली में बताएं। स्टूडेंट्स लिसन टू राजू एंड डू द एक्शन। Put your left hand up. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्र सही तरह से अपना बायां हाथ ऊपर कर रहे हैं या नहीं। Put your left hand up. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्र सही तरह से अपना बायां हाथ नीचे ला रहे हैं या नहीं। Put your left hand up. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्र सही तरह से अपना बायां हाथ ऊपर कर रहे हैं या नहीं। Shake it round and round. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्र सही तरह से अपना बायां हाथ गोल गोल हिला रहे हैं या नहीं। Put your left hand down. Put your right hand up. शिक्षक कृपया देखें सभी छात्र सही तरह से अपना बायां हाथ नीचे ला रहे हैं तथा दायां हाथ ऊपर ले जा रहे हैं या नहीं। Put your right hand up. Put your right hand up. Shake it round and round. शिक्षक कृपया देखें कि सभी छात्र सही तरह से बायां हाथ गोल गोल घुमा रहे हैं या नहीं। Put your right hand down. Put your left hand up. Put your left hand down. Put your left hand up. Shake it round and round. Put your left hand down. Put your right hand up. Put your right hand down. Put your right hand up. Shake it round and round. Put your right hand down. Good job, students. शिक्षक अब हम टच गेम खेलेंगे और शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे। शिक्षक कृपया एक छात्र को सामने बुलाएं। शिक्षक अब सामने खड़े छात्र को अपना नोज छूने को कहें और बाकी छात्रों से पूछें, What is this? Students say, That is your nose. शिक्षक अब सामने खड़े छात्र को अपना माउथ छूने को कहें और बाकी छात्रों से पूछें, What is this? Students say, That is your mouth. शिक्षक इस गतिविधि को जारी रखें।
सामने खड़े छात्र से शरीर के विभिन्न अंगों को छूने को कहें और बाकी छात्रों से पूछें, व्हाट इज दिस? छात्रों को दैट इज योर का प्रयोग करते हुए उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। आपके पास इस गतिविधि के लिए एक मिनट का समय है। टीचर, सामने खड़े छात्र को अपने स्थान पर जाने को कहें। अप डाउन चंदा, द लेसन इज ओवर, लेट्स प्ले अगेन टुमारो। आई लाइक इंग्लिश इज फन, मी टू। Let's sing the goodbye song. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 43. Dear teacher and students, आज हमने कुछ नए शब्द जैसे eat, drink के अर्थ सीखे और alphabets का अभ्यास किया। अगले पाठ में हम like and don't like शब्दों का अभ्यास करेंगे और yes, नो का उपयोग करते हुए उत्तर देंगे। यह था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार।